हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैरी फिटनेस टीचिंग क्लास। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हाफ में पॉपसिली बनाने का इजी तरीका बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये फोर फोल्ड में कपड़ा ले लिया है, जो कि ऐसे में फोर फोल्ड में 12 इंच है। और यहाँ पे हमें बाजू की लंबाई चाहिए 4 इंच। तो 4 इंच तो हमारा रेडी रहेगा, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ताकि दोनों तरफ से हाफ हाफ हमारा मार्जिन चला जाए। इस तरीके से हम यहाँ पे जैसे बाजू की कटिंग करते हैं, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी हम कटिंग कर ले रहे हैं। ये हमारा बाजू कट गया है, तो अब इसी को हम इसे पॉप स्लीव बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने दोनों बाजू को ऐसे फैला लिया है और इसके ऊपर से हम एक सिलाई चलाएंगे, जो कि बड़े टाँके वाले होंगे। इस तरीके से पूरे स्लीव पे एक सिलाई चला लेनी है। सेम टू सेम इस वाले बाजू पे भी हम उसी प्रकार से चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे चलाने के बाद हम सुई के हेल्प से यहाँ पे धागा खींच के इसको हम ऐसे खींच रहे हैं ताकि इसमें चूनट बन जाए। इस तरीके से चून बनाते हैं, तो ये एकदम पफी पफी स्लीफ रहता है और काफी खूबसूरत भी लगता है देखने में, और काफी अच्छा भी लगता है। तो इस तरीके से इस साइड में आप बना लीजिए और मेजरमेंट ले लीजिए कि आपका बाजू कितना है। यानी कि मेरा 5 है तो 10 रेडी होगा, तो यहाँ पे 12 है, यानी कि 1 इंच मार्जिन हो जाएगा मेरा। इस तरीके से हो गया, और इस पे हम टाके को छोटे करते हुए एक पक्की सिलाई चला लेंगे ताकि हमारा चूनट जो है एकदम परफेक्ट है। जिस तरीके से यहाँ पे चून बना हुआ है, सेम टू सेम उसी प्रकार से हमें उसमें कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम उसी प्रकार से इस पर मशीन चला देना है, जो कि पक्की सिलाई होगी। इस प्रकार से पूरे स्लीव पे हम सिलाई चला दिए हैं, और बचा इस साइड पे भी हम उसी तरीके से एक कच्ची सिलाई यानी कि बड़े टाके वाली सिलाई चला देंगे। चाहे तो आप छोटे वाले पक्के वाली सिलाई भी चला सकते हैं, तो ये बड़े वाले रहते हैं तो जल्दी जल्दी चुनट बनने में आसान हो जाता है। तो फिर यहाँ पर भी हम यहाँ पे खींच लेंगे एक धागा, और इसको भी इस प्रकार से धीरे धीरे खींच के यहाँ पे हम चुनट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों तरफ चुनट दे दिए हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत हमारा पॉप स्लीव बन गया है, इस पर भी हम पक्की सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस तरीके से पूरे स्लीव पर चलाने के बाद हम सेम टू सेम दूसरा बाजू भी इसी तरीके से बना लेंगे। देखिए कितना अच्छा हो गया है, और इस वाले को भी दोनों को हमने बना लिया है, और अब इसमें हम पट्टी जोड़ेंगे। ये हमने अपने बाजू की लंबाई जैसा है उस प्रकार से, और ये 3 इंच की पट्टी हमने ली है। तो आप चाहे तो इससे भी पतला ले सकते हैं, और चाहे तो इससे चौड़ा भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम इसको अच्छे से बिठा के, और यही 2 फुट की चौड़ाई छोड़ते हुए ऊपर से एक सिलाई, यानी कि जहाँ पे हमारा चुन्नट लगा हुआ है सेम टू सेम उसी प्रकार से उसके ऊपर से हम यहाँ पे एक सिलाई चला लेंगे, और उसको पलट के फिर उधर से एक पट्टी टाइप बना लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा बाजू तैयार हो जाएगा। तो सेम टू सेम उसी प्रकार से हम दूसरे वाले पे भी लगा ले रहे हैं। पूरी पट्टी पे चलाने के बाद इसको पलट के इसके ऊपर से हम इस तरीके से एक मोटा सा पाइपिंग बनाते हुए हम एक सिलाई चला लेंगे पूरे पर सीधे साइड से, उल्टे साइड में इस मार्जिन को रखते हुए। इस तरीके से आप पूरे बाजू पे एक मोटी पाइपिंग, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रिल वाला यानी कि चुनट वाला कपड़ा है, इसीलिए थोड़ा मोटा भी हो जाता है। तो चाहे तो आप उसे हटा भी सकते हैं काट कर, और ना चाहे तो ऐसे रख भी सकते हैं। तो ये थोड़ा मोटा रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए हमने इसको हटाया नहीं है, और इसी प्रकार से पलटते हुए सेम टू सेम दोनों बाजू पे चला लिए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये बाजू कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।